हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे आज के एक और नए प्यारे से व्लॉग में। एकदम हालत खराब है, आप सब बोलोगे भाई एक ही टी शर्ट में भाई इसने व्लॉग करा है। वो पता क्या चक्कर है, हम पहले जिस होटल में थे ना, मेरे आधे से ज्यादा कपड़े ना वहीं रह गए। मेरे पास ये टी शर्ट पड़ी है, बाकी बैग में जितने कपड़े हैं वो सारे शॉर्ट वगैरह ड्रेसेस है, तो वो पहन के तो यहाँ बैठूंगी नहीं मैं। तो अभी ना पहले मैं आपको होटल रूम की हालत दिखाती हूँ। और भाई हमारी फ्लाइट में बहुत बुरी हालत हुई थी, आते ही हम लोग सो गए थे और खाया पिया उसके बाद एकदम गहरी नींद में चले गए, कोई होश ही नहीं थी भाई। ये चेक करो कितना ज्यादा गंद पड़ा है, ये देख लो भाई मैंने क्या पहना हुआ है। यहाँ पे ना मौसम एकदम मस्त है। अभी मैं आपको एक बंदे से बुलाती हूँ भाई। व्हाट्सअप। सो फाइनली गाइस, अभी हम जा रहे हैं अपने एक भाई के पास, उसके पास जा रहे हैं फोन देने के लिए। हाँ, आज तो गिव अवे है। गिव अवे का फोन दे के आते हैं गाइस। ये अभी भी नींद में, इतना सोने के बाद इसको भी नींद आई है। फिर उसके बाद निकलेंगे भाई अपने जम्मू के लिए, बिकॉज हमने रिटर्न टिकट जो थी वो करवा दी थी पहले की। मैंने बहुत सारे बंदों से पहले मिलने का प्लान किया था, बट मेन क्या कि भाई टाइम ही नहीं मिल रहा भाई। हमारे जो टिकट्स हैं वो आज ही की हैं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं क्या सीन रहेगा भाई। और ये देखो मेरी फिंगर पे लग भी गई यार, ये चेक करो। तो यार ये ना मेरी फिंगर में देखो लग गई, बहुत लगी थी, पूरा खूनो खून हो गया था। हुआ क्या, मेरे ये जो आईफोन का ये पीछे ग्लास का रहता है, ये देखो इसमें भी थोड़ा सा क्रैक है। जो मेरा वाला आईफोन था ना, उसका पूरा ये बैक ग्लास मतलब मेरे से ही टूट गया था। तो वो मैंने ना जोर से ऐसे पकड़ा, वो पूरा अंदर घुस गया भाई। इतनी क्या बोलूँ, अभी भी अगर मैं इसको ओपन करके बताऊंगी ना, वैसे कल से बंधा हुआ है, अभी मैं इसको ओपन करते हुए देखते हैं कि कितना ज्यादा लगा कितना नहीं। होटल वाले ने बेचारे ड्रेसिंग की, बोलते कि कोई बात नहीं। अभी ये देख सकते हो कि ब्लड, मैं क्या दिखा रही हूँ, अगर ब्लड वगैरह थोड़ा सा दिख रहा होगा। मैं इसको निकालती हूँ अभी और देखती हूँ कि कितनी लगी है यार। अभी ना मैं ये खोल रही हूँ अपनी ड्रेसिंग, और क्योंकि कांच लगा था तो कांच अंदर रह भी जाता कभी कभी, मैंने वो चेक नहीं किया क्योंकि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी मुझे। अभी भी दर्द है यार, खोलूँ या नहीं खोलूँ। दूसरी बैंडेड लगाती हूँ, ये वाली कल की लगाई हुई है, इसमें पानी गिरा, पता नहीं क्या, पूरी गीली हो गई है, इन्फेक्शन हो जाएगी है ना। आउच आउच भाई, ये लगी थी मेरे को, ये देखो लगी तो थी यार, काफ़ी लगी है कसम से। अभी भी मैं इसको अगर ज़्यादा प्रेस करूँगी ना तो ब्लड आ जाएगा। मुझे लग तो नहीं रहा कि इसमें कांच वगैरह कुछ है, बट इसमें ना इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मैं तो बहुत भाई वो हूँ, मेरे को ना बहुत वहम होता है इन्फेक्शन वगैरह का, कसम से बहुत ज़्यादा। सो अभी मैं ना बैंडेड मंगाती हूँ, इस पर बैंडेड लगा लेती हूँ। तब तक मैं कुछ भी ऐसे किसी चीज़ को टच नहीं करने वाली, इसे बैंडेड लगाऊंगी उसके बाद। ऊपर से ना ऐसे फिंगर पे लगी हो ना तो खाना भी नहीं खाया जाता अच्छे से। कल मैंने इतनी मुश्किल से इस पट्टी के साथ खाना खाया भाई, और मैं इतनी वहमी हूँ ना, मैं ये भी अपनी जेब में अपने साथ रखूंगी। सो अभी ना मैं एक बार यहाँ पे कॉल करती हूँ होटल वालों को, बैंडेड मंगाती हूँ एक। ये यहाँ पे नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, रिसेप्शन 8988 पे कॉल करती हूँ। पूछ जा रही, कोई उठा नहीं रहा है, एक बार फिर से करते हैं। हाँ जी, बैंडेड मिल जाएगी क्या जी? बाहर से किसे मंगा दो, एक्चुअली ना मेरी फिंगर पे लग गई है, तो यहाँ पे बैंडेड वगैरह कोई फर्स्ट एड है नहीं यहाँ पे पड़ा हुआ। ओके ओके, 101 में भिजवा देना। ओके ओके। सो मैंने कॉल किया तो बोलते कि होटल में तो अवेलेबल नहीं है, तो मैंने कहा भाई बाहर से मंगा दो। बोलते हाँ हम बाहर से आपको मंगा के दे देते हैं, कोई बात नहीं। सो अभी आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद मैंने खाना भी ऑर्डर किया था, ब्रेकफास्ट भी ऑर्डर किया था। खैर अभी तो 1 बज रहा है, 1 बजे मेरा ब्रेकफास्ट होता है यूजली। क्लीनिंग भी करवानी है भाई। थैंक यू, वेलकम। अभी नहीं, ठीक है अभी रहने दो। सो अभी यहाँ पे फर्स्ट एड वगैरह होगी, और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट, ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ आ जाओ भैया, आ जाओ। सो भाई अभी यहाँ पे ना मेरा ये लग गया था, तो यार यहाँ पे मैंने बैंडेड वगैरह करवा लिया। अभी आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट, और मेरा भी थोड़ा काम कर रहा है, तो मैं खाने लगी हूँ भाई, क्योंकि मेरे को भूख बर्दाश्त नहीं होती, मेरे को ना काली पड़ने लगती है। मैं आमिर जा रहा फोन गिव अवे करने के लिए, मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अमिर मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, रेस्ट करो ना। फिर भी अभी आमिर ही जाएंगे यार। ये देखो मैंने आपको कहा था ना, अमिर जो मेरे साथ होता पूरा बच्चा बन जाता। ये देखो ये यहाँ पे रिमोट कंट्रोल कार ढूंढ रहे हैं यार, कसम से बोलते हैं ये वाला कितना अच्छा है भाई, कोई बात नहीं लेके देते हैं रिमोट कंट्रोल कार भी काके को। एक ये वाली देखी हमने, कहाँ गई वो रिमोट कंट्रोल वाली, हमें एक यहाँ पड़ी हुई थी रिमोट कंट्रोल वाली कार। ये मॉन्स्टर ट्रक तो है लेकिन ये रिमोट कंट्रोल नहीं, ये फुल बैक वाला होगा यार। हाँ हम स्पेशली अपने सारे बैग्स ना नीचे छोड़ के आए हैं यहाँ पे इसकी रिमोट कंट्रोल कार देखने के लिए भाई। ये देखो जो
सपने बचपन में पूरे नहीं हुए वो आज पूरे कर रहे हैं। खिलौने वाली गाड़ी, चलो यार कोई बात नहीं ले ले ना, बंदा जितना मर्जी बड़ा हो जाए। और मैंने ये लिया भाई अपने लिए चिप्स, ये कितना क्यूट है। आवाज आ रही है ये कितना प्यारा है यार, मतलब ये ना कोई बच्चा वगैरह ना उसको सुलाने के लिए उसके पास रख सकते हो, ये प्यारी चीज है यार, बहुत प्यारी। ठीक है यार, सही है यार, मैं सोच रही हूँ मिशेल के लिए कुछ लूँ, बट उसके पास सस्ता है यार ये। कितने का है? 10,000 रुपए। मैं मारूंगी भाई 10,000 रुपए का ये ले रहा है। ये मुझे समझ नहीं आता इसने करना क्या। आपको पता है जब हम जम्मू जाएंगे ना, ये सारी चीजें जो भी ले रहा है ना, ये सारी ऐसी ऐसी बिखरी पड़ी होंगी। ये मैंने वहाँ पे ना इयररिंग्स देखे, मैं वो देख के आई। ठीक है, इधर रुको, मैं देख रहा हूं। देखो देखो क्या दिखाओ, ये रिमोट कंट्रोल है क्या? ये क्या वॉल रॉकेट, मतलब मुझे मतलब ये दीवार पे भी चढ़ जाता है, मुझे वही लग रहा है। दिखाना दिखाना, USB चार्जर, LED लाइट, फलाना फलाना, 8 Air Plus, और ये देखना। आओ उनसे पूछते हैं, आओ ले आओ ये भाई। अभी काके ने ना दो चीज़ें पसंद की हैं, ठीक है। ये ना मेरे को बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक नहीं है, बट ऐसे ना रखने का शौक है कि मतलब बुक्स हो मेरे पास बहुत सारी, पढ़ने वढ़ने का मुझे कुछ भी शौक नहीं है। आई स्वेयर मुझे बिल्कुल भी पढ़ना वढ़ना कुछ पसंद नहीं है, मतलब ऐसे वो वाली बुक्स होती ना यार, मतलब मिस्टीरियस टाइप ऐसे, मतलब हैरी पॉटर वगैरह वाली, वो मुझे पसंद है। वो मैंने उस साइड देखी, मैं ना वो वाली एक बार देखी। स्टोरी बुक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इयररिंग्स देखी हैं मैंने, बट इनमें से कुछ खास नहीं। ये मुझे ना ऐसा ब्रेसलेट चाहिए। देखो ये हमारे सब्सक्राइबर्स कहाँ गए यार। एक ब्रेसलेट मिल जाए ना प्यारा सा यार, मैं ब्रेसलेट ले लूँ, मुझे ना मन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं ब्रेसलेट। हाँ ये बैंगल्स वगैरह ये मैं पहनती नहीं हूँ। एक बार ना बुक्स वाली सेक्शन में चल के आपको बुक्स दिखाती हूँ कौन कौन सी है भाई। देवी लेजेंड ऑफ मदर गॉडेस, ये बुक भी अच्छी लग रही। ये भाई हैरी पॉटर वाली मुझे बहुत पसंद है यार, बट यार पढ़ेगा कौन इतना मैं कभी ना पढूं। मुझे बस पता क्या है कि मतलब ऐसे मेरे रूम में ना ऐसी वाली बुक्स बहुत सारी हो, ऐसी वाली मिस्टीरियस मैजिक वगैरह वाली बुक्स हो मेरे पास, काफ़ी शौक है मुझे इनका। ये ऐसी वगैरह वाली बुक्स नहीं मुझे पसंद, ये नॉलेज वगैरह वाली पसंद नहीं है मुझे। ऐसी हाँ ऐसी भी मैं ले लूँ, एनिमे वगैरह वाली, बट कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि पढ़नी तो मैंने है नहीं, सड़नी है ये पढ़ के मेरे घर पे। ले लिया, खोल के चेक करवा रहे हो क्या? हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे ये वाली चेयर इतनी ढूंढी भाई, हमें मिली नहीं। अरे यार खतरनाक है ये। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है पैरों में भाई, सो ना अभी एकदम रिलैक्स वगैरह होते हैं क्योंकि अभी ना कितना टाइम, 11:50 की हमारी बोर्डिंग है। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, काफ़ी टाइम में मतलब लगा लो आधा घंटा है। और मैंने ना एक ये परचेज किया, या मैं ना यहाँ पे सो गया हुआ है। मेरा पूरा खत्म हो गया 15 मिनट्स, आमिर का भी 15 मिनट्स हो गया था, लेकिन उसके बाद आमिर ने ये वाले में शिफ्ट कर लिया बीच में। यार ये देखो अभी इनका भी ये चल रहा है, और ये देख रहा है ये गुगली सो उठी हुई है। पहली बार जिंदगी में मेरे को गुदगुदी हो गई भाई। आपको पता है आमिर को ना गुदगुदी नहीं होती है, मतलब जब हम साथ होते ना, मैं इनको इतनी ऐसे गुदगुदी पैरों में भी इधर 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 नहीं होती है। और हमने पूरा डिसाइड किया कि जो ये वाली चेयर है हम ये लेने वाले हैं। ब्लॉग एडिट कर रहा है। हाँ ऐसे मतलब ब्लॉग एडिट कर रहा है और ये चेयर आपके पैर दबा रही है। वैसे पैर तो मैं भी आपके दबा सकती हूँ। वरना बीबी ने जो मशीनें हैं क्यों काम कराना है। ये देखो यार मैंने आमिर की घड़ी देखना, ये देखना मेरे हाथ से देखना है, मुझे आमिर ने ये लेके दिया। ये देखो ये कितना प्यारा है ना, प्यारा मुझे आमिर ने लेके दिया। मुझे कमेंट करके बताना ये कैसा है भाई। सो भाई अभी हम पहुँच चुके थे दिल्ली एयरपोर्ट, काफ़ी टाइम हो गया पहुँचे, हमारी बोर्डिंग भी स्टार्ट होने वाली है। और अभी हमने ऑर्डर किया छोले भटूरे, और कसम से इसका पूरा टेस्ट पता कैसा आ रहा है, जैसे भंडारे में लगा होता ना सेम वैसा टेस्ट आ रहा है भंडारे वाला एकदम। बस इसके साथ एक कमी है, इसके साथ पिकल नहीं है, बाकी तो ऑसम है भाई। भाई बहुत टेस्टी है यार, पूरा ऐसा ना वो लगा होता ना यार शादियों में जैसे होता है एकदम वैसा टेस्ट आ रहा है यार, बहुत बढ़िया बना है। अचार होना चाहिए था बस, फिर तो मैं कह रही हूँ किस चीज़ की कमी नहीं थी। उनको खुद भी खाना है, उनको भी खिलाना है भाई। खाते हैं उसके बाद हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। तो बाय।